गुड मॉर्निंग। आज बहुत तेजी से समय बीत रहा है और इस समय के साथ में अगर एक स्टूडेंट अपना टाइम को मैनेज नहीं करता है या उसको प्रायोरिटीज पता नहीं होता है कि किस चीज़ को पहले करना है और किस चीज़ को बाद में करना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि एग्जामिनेशन के टाइम हम लोग अपना बर्डन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए और अपने अंदर जो डर बैठ रहा है, प्री बोर्ड्स का डर, बोर्ड्स का डर, उसको कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना होगा, अंत तक देखना होगा और अपने सारे प्रॉब्लम्स को दिमाग से हटा के देखना होगा, क्योंकि अगर कोई भी काम करते समय हम लोग ऑब्स्टेकल को ध्यान में रखेंगे तो काम बिल्कुल ही नहीं होगा। ये आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि आज नवंबर हम लोग पहुंचने वाले हैं, अक्टूबर कंप्लीट होने वाला है और हम लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस हो रहा है। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बोर्ड्स के स्टूडेंट को एक चीज जो मैं एक रियलाइज कराना चाहूंगा कि आप दिमाग से सबसे पहले ये निकालो कि वर्कलोड बढ़ रहा है और वर्कलोड के कारण टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे। क्या आप लोग जागरण के समय एक रात नहीं जग जाते हो? या आपके घर में किसी की शादी होती है तो आप नहीं जगते हो? रिसेंटली हम लोगों का दशहरा अभी खत्म हुआ और मैं 100% बता रहा हूँ, आप लोग रात में जग के घूमे होंगे। तो हम लोग इस तरह के काम के लिए जग जा रहे हैं जिसमें अनप्रोडक्टिव वर्क स्टडी के लिए नहीं है, इसलिए अनप्रोडक्टिव वर्क हम लोग कर रहे हैं। तो क्या अपने लिए, खुद के लिए एक रात नहीं जगा जा सकता? अगर मान लीजिए मेरा वर्कलोड जो है बढ़ा हुआ है तो किसी एक रात को जग के इस उस काम को कर लेने से वर्कलोड कम होगा? इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा रूल्स को लेके नहीं चलना है, बट कुछ रूल्स को लेके चलना है, क्योंकि 24 आवर्स आपको भी मिला है, 24 आवर्स मेरे को भी मिला है। सबसे पहले सुबह उठने की आदत डालिए, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग कह के गए हुए हैं कि अगर आप सुबह उठते हो तो आपके पास सुबह में लर्न करने से आपके आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश रहता है और उस समय आप जो भी चीज़ लर्न करोगे वो आपके माइंड में बहुत जल्दी जाएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ चीज़ है, मैंने खुद अपने लाइफ में आजमाया है और इसमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और रात में जब हम लोग जल्दी सोते हैं यानी 10:30-11 बजे तक सो जाते हैं तो हमारा माइंड टोटली ब्लैंक होता है, तो इस समय लर्न करने से कोई भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद होता है। देयर आफ्टर अगर आप स्कूल जाते हो, बिल्कुल स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो भी, तो आप अपना उस टाइम को वहाँ यूज़ करो। वहाँ से आने के बाद अब आप लोगों का टाइम होता है शाम का समय। शाम में देखिए, अगर साइंस के स्टूडेंट आप लोग हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीन का ट्यूशन करने आप लोग जाते हो, यानी 3 घंटा प्लस आना जाना मिला के आप पकड़ लो 4 से 5 घंटा लग ही जाता है। सेम चीज़ कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ में भी है, इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंट्स, या फिर अगर कंप्यूटर है ऑप्शनल सब्जेक्ट या मैथ्स है ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हम लोग इस पर अपना समय देते हैं। तो फिर पढ़ाई कब किया जाए, क्योंकि सेकेंड हाफ का समय तो ट्यूशन्स में चला जाता है। और एक चीज आप लोग याद रखो, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हो या ट्यूशन में पढ़ाई करते हो, आप अगर घर में सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो ये दोनों जगह का जो पावर है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्यूशन और स्कूल जो जा रहे हैं ये अपने आप को गाइडलाइन लेने के लिए जा रहे हैं। जब तक कि इनका पढ़ाया हुआ चीज को हम लोग घर में नहीं पढ़ेंगे और डे टू डे नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होने वाला है। रूटीन एक ऐसा चीज है जो बनाने से नहीं होता है, रूटीन को करने से होता है। रूटीन तो आप लोग कई बार बनाए होंगे लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? विल पावर का कमी, क्योंकि आप लोग 1 से 2 दिन रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं। और एग्जामिनेशन प्रेशर में पढ़ के दिया हुआ एग्जाम कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें आप एक गेम खेल रहे होते हैं। कभी आपका तुक्का लग गया तो सेम क्वेश्चन आया, बन गया, और कभी नहीं लगा तो फिर वो उस क्वेश्चन को आधा में छोड़ के चले आए। तो करना क्या है? करना यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग रूटीन को बनाओ, जिसमें अकाउंट्स अगर है या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको डेली पढ़ना है आप उसको डेली पढ़ो और उसके साथ में कॉम्बिनेशन लो, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स मंडे, अकाउंट्स BST ट्यूजडे, फिर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वेंसडे, अकाउंट्स BST थर्सडे, और ऐसे ही आप अपना कंप्यूटर या मैथ को भी यहाँ पे अरेंज करो। इन सबसे ऊपर जो एक चीज है कि यहाँ हर स्टूडेंट को पता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर जाएंगे,
नहीं पढ़ेंगे तो साल भर का इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो अपना एक साल बर्बाद होगा। तो इन सब से बचने के लिए बस एक ही चीज का जरूरत है कि आप अब ठानो, मन से ठानो, एक जिद पे आ जाओ, उस जिद पे आ जाओ कि अब मेरे को ये चीज करना है तो करना है। इसलिए क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, दिसंबर में प्री बोर्ड है, और इस बार 2019 में अगर बोला जाए तो बोर्ड्स एग्जाम फरवरी के लास्ट से शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने अंदर के मोटिवेशन को बना के रखना होगा, खासकर उस समय जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो। आपके लिए अभी दोस्तों के साथ घूमना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपके लिए मूवी ज्यादा देखना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, मोबाइल में चैट करना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपको अभी जो करना है वो बस एक ही चीज करना है, अपनी स्टडी से रिलेटेड हर काम को। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ मिलते भी हो तो ग्रुप स्टडी के लिए मिलो, साथ में मिलकर सम्स को बनाओ। आप अगर किसी से फोन में चैट करते हुए तो पढ़ाई की बात करो, क्योंकि अभी आप ये सब बात जितना करोगे आप इस चीज को अपने तरफ ज्यादा खींचोगे। लेकिन अगर आप घूमने की बात करोगे तो आपको घूमने का मन करेगा, मूवी देखने की बात करोगे तो मूवी देखने का मन करेगा। माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि माइंड को एक ऐसे जगह पे लगाना जो आपको रिजल्ट जल्दी दे। और रिजल्ट जल्दी लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी कोई को अपना प्रायोरिटीज पता होना चाहिए। वर्कलोड बढ़ाने से नहीं, वर्क को करने से वर्कलोड घटता है। आप अगर काम नहीं करोगे, आज सोचते रह जाओगे कि कल करेंगे कल करेंगे, तो कल आपका काम इतना हो जाएगा, फिर सोचोगे कल करेंगे काम इतना हो जाएगा, और एग्जामिनेशन समय बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट लाइफ सीखने का होता है। आपने पास्ट में क्या किया मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप कल तक क्या कर रहे थे कोई मतलब नहीं है, आज से जो करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफ को एक नजरिया दो, एक मोड़ दो, और अपने जिंदगी में प्रायोरिटीज को समझो, कब किस चीज को जल्दी करना है, कब किस चीज को नहीं करना है। आपके लिए अगला साल है, नेक्स्ट ईयर आपके साथ में 2019 है, फिर से दशहरा दिवाली आएगा, दोस्त वही रहेंगे, नए कॉलेज होंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे, फिर से मस्ती होगा। लेकिन अगर आप 4 महीना ये मस्ती वाला मूड को हटा दो, मेरा गारंटी है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जो बच्चा एवरेज कर रहे हैं वो एवरेज से अच्छा करेंगे, और जो बच्चा जिसका टारगेट है टॉप करने का, टॉप उसको यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। खुद से कंपटीशन करो और अपना एक नया नजरिया बनाओ स्टडी को लेके। डर के कभी पढ़ाई नहीं होता, करके पढ़ाई होता है। जो बच्चा डरते रहेगा वो एग्जामिनेशन के पहले भी डरेगा, और जो बच्चा करेगा उसको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी चीज को अगर वर्कलोड को कम करना है तो हमको एक्शन करना होगा, और एक्शन का मतलब ही होता है किसी भी चीज के पीछे भिड़ जाओ, देखना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए ऑल दी बेस्ट आप सभी कोई को, इस वीडियोस को ध्यान से देखो, समझो और अप्लाई करो। थैंक यू।